दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर हम चैट जीपीटी से कोई आर्टिकल जनरेट करते हैं, किसी दूसरे एआई टूल से हम आर्टिकल जनरेट करते हैं और उसके बाद एआई डिटेक्टर टूल पर उसको चेक करते हैं, तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ ये आर्टिकल किसी एआई टूल से लिखा गया है। आज के वीडियो में आप लोगों को कैसे कंटेंट राइटिंग टूल के बारे में बताने वाला हूँ, उसके अगर आप आर्टिकल जनरेट करेंगे तो एआई डिटेक्टर टूल भी उस कंटेंट को पूरी तरह से ह्यूमन कंटेंट ही बताएगा, क्योंकि इस टूल को जो डिजाइन किया गया है वो बिल्कुल एडवांस लेवल की प्रॉम्प्ट इसमें इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से इस टूल से आपको जो आर्टिकल मिलता है पूरी तरह से ह्यूमन आर्टिकल ही प्रोवाइड करता है। तो आज के वीडियो में हम उसी टूल के बारे में जानेंगे, कौन सा कंटेंट राइटिंग टूल है जो कि आपको 100% ह्यूमन राइट आर्टिकल प्रोवाइड करता है, और उसको हम बाद में एआई डिटेक्टर टूल में चेक करके भी देखेंगे कि किस तरह का आर्टिकल आपको प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके कंटेंट के लिए जो इमेज वगैरह की आपको जरूरत पड़ती है उसके भी प्रॉम्प्ट आपको प्रोवाइड करता है। अब उस प्रॉम्प्ट को यूज करके आप बहुत आसानी से अपने कंटेंट के लिए इमेज भी जनरेट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में पूरी डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से आपको 100% यूनिक आर्टिकल यहाँ से जनरेट करना है, किस तरह से अपने कंटेंट के लिए एआई के द्वारा यहाँ पे इमेज वगैरह जनरेट करनी है, इसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कंटेंट जनरेटर टूल के बारे में आपको बताने वाला हूं उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे सीधे इस वेबसाइट पर, इसका नाम है दोस्तों ग्रेविटी राइट। अब ये जो एआई टूल है दोस्तों इसको ऐसी प्रॉम्प्ट वगैरह के द्वारा बनाया गया है कि जिसमें डिफॉल्ट कुछ ऐसे फीचर ऐड किए गए, ऐसी प्रॉम्प्ट यहाँ पे एडवांस लेवल की ऐड की गई है, जिससे कि यहाँ से आप जो भी आर्टिकल जनरेट करते हैं 100% ह्यूमन आर्टिकल आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। अब कैसे करना है चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 5000 वर्ड फ्री अकाउंट में फ्री मिलते हैं, यानी कि अपने फ्री अकाउंट से आप 5000 वर्ड तक यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो अलग अलग तरह के ईमेल टेम्प मेल के थ्रू यहाँ पे अनलिमिटेड अकाउंट क्रिएट करके आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको करना किस तरह से। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नेम एंटर कर देता हूँ। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। चलिए मैं अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल रहे हैं कि आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल भेजा गया है। चलिए अपने ईमेल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेविटी राइट की तरफ से हमारे पास वेरिफिकेशन मेल आ चुका है। इस बटन पर क्लिक करके सबसे पहले हमें अपने ईमेल को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो चलिए हमारा ईमेल यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे टूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको चले जाना है यहाँ पे ब्लॉक टूल्स पे। अब ब्लॉक टूल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आप चाहे तो सिंगल क्लिक में भी यहाँ पर आप अपना एक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक आर्टिकल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक टॉपिक जनरेट करेंगे, यानी कि ब्लॉक टॉपिक आइडिया हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है ब्लॉक टॉपिक आइडिया, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आप जिस कीवर्ड पर भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो सिर्फ आपको यहाँ पे कीवर्ड दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आर्टिकल लिखना चाहता हूँ मेक मनी ऑनलाइन, यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन टाइप करूंगा ओनली, और इसके बाद क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करूंगा। मेरी ब्लॉग पोस्ट के लिए मुझे अलग अलग तरह के टॉपिक यहाँ पे जनरेट करके देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के टाइटल हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आपको उसको यहाँ से कॉपी कर लेना। जैसे कि ये मुझे अच्छा लग रहा है अनलेस यूर अर्निंग पोटेंशियल 10 फुल प्रूफ वेस्ट टू मेक मनी ऑनलाइन, तो चलिए मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हमारे पास में यहाँ पे टॉपिक आ चुका है। अब टॉपिक आने के बाद सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है आउटलाइन का, तो हम इस टॉपिक के लिए आउटलाइन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे लाकर अपने टॉपिक को हम करेंगे पेस्ट और इसके बाद क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे कंटेंट के लिए यहाँ पर आउटलाइन जनरेट करके देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल यहाँ पे आउटलाइन हमें ये जनरेट करके दे रहा है। अब इसमें से अगर आप कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ पे किसी भी हेडिंग वगैरह में आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले इसको यहाँ पे आउटलाइन जनरेट करने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FAQ वगैरह कम्प्लीट आर्टिकल इसने हमें यहाँ पे आउटलाइन जनरेट करके दिए। अब इसमें से किसी में आप चेंज करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसमें आप चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कॉपी। चलिए पूरा आर्टिकल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब ये हमने यहाँ से आउटलाइन कॉपी कर ली, इसको चलिए मैं वर्डप्रेड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आउटलाइन हमने जनरेट की थी वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए।
अब चलिए, अब इसके बाद में आपको फिर से टूल पे आना है। अब आपको यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि नीचे तो आपने जो आउटलाइन अभी भी जनरेट की है वो आउटलाइन आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसके अलावा ऊपर वाले बॉक्स में आपको अपने कंटेंट का टाइटल यहाँ पे दे देना है। तो चलिए यहाँ से टाइटल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से चलिए इसको टॉपिक यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नीचे हमने अपनी आउटलाइन दे दी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्रिएट कंटेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद में जितनी भी हेडिंग सब हेडिंग है उन सबके लिए यहाँ पे आर्टिकल जनरेट करना ये स्टार्ट कर देगा। तो चलिए यहाँ से इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमारा पूरा कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल कंटेंट इसने हमें यहाँ पे जनरेट करके दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ा आर्टिकल इसने हमें दे दिया है। अब चलिए इस पूरे आर्टिकल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलिए डॉक में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने पूरा आर्टिकल यहाँ पे अपना पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चीज और मिलती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको चौथा ऑप्शन मिलता है, इमेज ब्रीफ फॉर ब्लॉग, यानी कि आपने जो ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे जनरेट किए क्रिएट किए उसके लिए यहाँ पे आप इमेज के लिए प्रॉम्प्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है कि आपकी जो आउटलाइन आपने जनरेट की थी, जो कि हमने यहाँ पे पहले से मैंने पेस्ट करके रख रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्डपैड में, इसको आपको ऐसे कॉपी करना है ऑल सिलेक्ट करके। आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी आउटलाइन एंटर करना है और यहाँ पे क्रिएट कंटेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सभी आउटलाइन के यहाँ पे अलग अलग तरह की यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, और इन्हीं प्रॉम्प्ट का यूज करके आप किसी भी एआई इमेज जनरेटर टूल पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पे कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है उसमें 10 सब हेडिंग है, यानी कि 10 H2 है। तो 10 के लिए हमें यहाँ पे 10 अलग अलग तरीके प्रॉम्प्ट इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। इन सभी प्रॉम्प्ट का यूज करके आप किसी भी AI इमेज जनरेटर टूल पे जाकर ये प्रॉम्प्ट आपको देनी है और आपको आपके आर्टिकल से रिलेटेड इमेज वो जनरेट करके दे देगा। इसके लिए आप जैसे कि डिस्कॉर्ड वगैरह को यूज कर सकते हैं, मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और यहाँ पे इस तरह की इमेज वो जनरेट करके दे देता है। तो आपको भी यहाँ पे सिर्फ अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी है और आपको ये इमेज मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको फीचर इमेज कहाँ से क्रिएट करनी है। तो फीचर इमेज आप कैनवा से क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाता है, किसी को भी सिलेक्ट कीजिए, एडिट कीजिए, आपकी फीचर इमेज बन जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि आर्टिकल तो हम चैट जीपीटी से भी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वो जो हमें देती है वो उसको AI टूल बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। तो ये जो आर्टिकल हमें प्रोवाइड किया है, अब इसको भी हम चेक करेंगे AI डिटेक्टर टूल में कि वो टूल इसको पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता। तो चलिए इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं AI डिटेक्टर टूल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AI डिटेक्टर टूल है। अब यहाँ पर पूरे कंटेंट को हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद चलिए हम इसको यहाँ से चेक फॉर AI कंटेंट पर क्लिक करते हैं। पर आप देख सकते हैं दोस्तों रिजल्ट आपके सामने, ये वही आर्टिकल है। आप इसको देख लीजिए, मैंने कोई आर्टिकल चेंज नहीं किया है। यहाँ पर आर्टिकल को आप मिला लीजिए और यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, 100% ह्यूमन आर्टिकल इसने हमें यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो बस यही है कि इसकी खास बात है दोस्तों कि आर्टिकल तो हम चैट जीपीटी से भी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वहां पे जो हमें आर्टिकल मिलता है उसको AI टूल आसानी से डिटेक्ट कर लेता है कि ये AI के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रेविटी वाले टूल से इससे लिखेंगे और उसके बाद आप उसे चेक करेंगे तो AI टूल भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये आर्टिकल AI ने लिखा या ह्यूमन ने। यहाँ पर आपको 100% ह्यूमन आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप इस टूल की हेल्प से आर्टिकल लिखेंगे तो 100% यूनिक और ह्यूमन आर्टिकल आपको यहाँ पे जनरेट होने वाला है। तो इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। एक फ्री अकाउंट से 5000 वर्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको न्यू ईमेल से नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।